10 साल के गोल को 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में कैसे हासिल करते हैं, ये आज आप बहुत अच्छे से जान जाओगे। एक लड़का है राहुल, आज वो बहुत उदास है, वो अंदर से पूरा टूट चुका है। इसकी एक वजह है, वो अपने लिए बहुत बड़े बड़े सपने तो देखता है, आसमान छूने के सपने देखता है, लेकिन बदले में थोड़ी भी कोशिश नहीं करता उन्हें पाने की। उसे पता है उसके अंदर काबिलियत है, वो करोड़ों का घर, लाखों की गाड़ियां डिजर्व भी करता है, मगर फिर भी आज वो बेरोजगारों वाली जिंदगी बिता रहा है। दिन तो जैसे तैसे कट ही जाता है, मगर असली दर्द तो रात देती है, जब अफसोस के आंसुओं से तकिया भी गीला हो जाता है। जिंदगी के लिए ऐसे बड़े बड़े सपने देखना राहुल को पसंद तो बहुत था, लेकिन वो हमेशा सिर्फ इसे सपने तक ही सीमित रखता। वो ख्वाब तो हजारों बनता था, मगर कोशिश किसी एक के खातिर भी नहीं करता था। दिन पर दिन ऐसे ही बीतते गए, और एक समय ऐसा आया जब उसके सारे दोस्त और वो खुद एक ऐसी उम्र में आ गए जहाँ से इंसान की जिंदगी यंग से एडल्ट में बदल जाती है, और तब लोग आपके मार्क्स नहीं औकात पूछते हैं। राहुल बर्बाद दिख रहा था, उसके पहचान के कई लोगों के बारे में वो सुनता था कि आज इसकी बैंक में नौकरी लग गई है, किसी का IIT पूरा हो गया, कोई डॉक्टर बन गया, उसी के रिश्तेदार के किसी लड़के ने अपना नया घर लिया, किसी ने नई गाड़ी ली। और जब ये बात राहुल के कानों में जाती तो वो जलता नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर घुटता कि वो इन सब से कितना पीछे रह गया है, उसकी औकात खाक बराबर रह गई है। लेकिन इसकी वजह तो वो खुद ही है, क्योंकि सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हीं सपनों को हासिल करना, और वो भी जल्द से जल्द, ये थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में क्या किया जाए, यही सवाल वो खुद से पूछता है कि क्या अगले 5-10 साल का गोल वो अगले 6 महीने या 1 साल में हासिल कर सकता है। और वैसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ राहुल की है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं इस देश के अंदर जो इसी फेज से गुजर रहे हैं, इसी चीज में संघर्ष कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि एटलीस्ट ये वीडियो देश के हर कोने तक पहुंचे, ताकि हर यंगस्टर को समय रहते कुछ ऐसा पता चल सके जिसके बाद में वो अफसोस के आंसू ना रोए। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में मेरे पास आप सभी को बताने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सी चीज है। मैं पर्सनली खुद मोटिवेशनल विंग्स के व्यूवर्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और इसीलिए हम हमारे चैनल के कुछ लॉयल व्यूवर्स को रिवॉर्ड करने वाले हैं। देखिए, अब तक हमारी वीडियोस देखकर आप में उम्मीद जगती थी, हौसला बढ़ता था, और लाइफ चेंजिंग आइडियाज मिलते थे, लेकिन अब मैं आपको इसके साथ साथ एक और शानदार चीज ऑफर करने वाला हूँ। अब वो शानदार चीज क्या है, ये आप वीडियो के आखिर तक जान जाएंगे। फिलहाल हम ये सीखते हैं कि हम अपने किसी भी गोल को जो कई सालों में पूरा होता है, उसे कुछ ही महीनों में कैसे हासिल करेंगे, चलिए जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपने लिए कोई गोल देखो जो आपके पैशन और नेचर को सूट करता हो। सबसे पहले गोल का पता होना इम्पोर्टेंट है। मैंने इस सेम टॉपिक पर कई वीडियोस देखे, लेकिन सच कह रहा हूँ, मुझे किसी में कोई खास दम नहीं लगा। सब सीधा टिप्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, और सबसे पहले गोल तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही उसे अचीव करने के लिए आपको स्टेप लोगे। ऐसे में दोस्तों, पहली सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कर लो। लेकिन क्या होता है ना, लोगों के गोल्स कई बार चेंज होते रहते हैं, और ऐसा 95% लोगों के साथ होता है, और ये भी एक वजह थी राहुल के बर्बाद होने की। गोल को हम 3 स्टेप में डिसाइड करेंगे। पहला कि क्या वो हमारे इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, दूसरा कि क्या वो हमारा पैशन बनने के काबिल है, तीसरा कि क्या हम उसमें बहुत प्रोफेशनल होने के काबिल हैं। देखो, अगर इंटरेस्ट होगा, तुम उसके लिए पैशनेट रहोगे, तभी तुम बिना घड़ी देखे, बिना दर्द और सुकून तलाशे बहुत अच्छा हार्ड वर्क करोगे, और तभी रिजल्ट्स ऐसे होंगे कि तुम्हारे बड़े गोल भी जल्दी पूरे होने लगेंगे। चलो, एक गोल तो डिसाइड कर लिया, मान के चलते हैं कि ये अगले 5-10 साल का गोल है, लेकिन इसे अगले 6 महीने में हासिल करना है। अब ये कैसे होगा, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, मैं इसके लिए आपको कुछ मंत्र, एक तरह से कुछ शानदार नियम बताऊंगा, जो एकदम प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है, जिससे आप दूसरों के मुकाबले अपने गोल को जल्दी से जल्दी हासिल कर पाएंगे। चलिए जानते हैं। Rule number 1, इंक्रीज योर स्पीड विद ग्रेट कंसिस्टेंसी। देखो, 1 किलोमीटर की दौड़ आप 6 मिनट में भी पूरी कर सकते हो, 12 मिनट में भी, और 20 मिनट में भी। उसी तरह किसी भी गोल को 6 महीने में भी हासिल किया जा सकता है, 2 साल में भी, और उसी सेम गोल को अचीव करने में 10 साल भी लग सकते हैं। फर्क पता है क्या है, फर्क है सिर्फ और सिर्फ स्पीड का, कि आपकी गति कितनी तेज है। अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हो तो आपको लगेंगे 6 मिनट, अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागोगे तो 12 मिनट, और इससे भी धीमा जाओगे तो 15-20 मिनट भी लग जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ स्पीड ही मैटर करती है जल्दी पहुंचने के लिए, तो इसका जवाब है नहीं, स्पीड के साथ साथ कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले मिनट के लिए एकदम तेज भागते हो, लेकिन अगले ही पल एकदम से धीमा हो जाते हो, और फिर 5 मिनट बाद रफ्तार पकड़ते हो, वापस धीमा हो जाते हो, तो ऐसे आपको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको आपके मेहनत की स्पीड को तेज करना होगा, और इसे बहुत कंसिस्टेंट भी रखना होगा। अगर क्रिकेटर हो तो 4 की जगह 8 और 12 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू करो, लेकिन हर रोज करनी होगी, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर स्टूडेंट हो और जल्दी से जल्दी किसी भी गवर्नमेंट या JEE नीट जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो, तो हर दिन 8 से 10 घंटा पढ़ना शुरू करो, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हारे 3 और 5 साल के गोल को कुछ महीनों या 1 साल के अंदर हासिल करने में काम आएगी। Rule number 2, वर्क ऑन स्ट्रेटेजी।
अब जैसे एक मोटा और भारी शरीर जो सिर्फ तेल लगाकर पराठे बेलता हो, ऐसा शरीर तो कभी तेज स्पीड पकड़ ही नहीं पाएगा और कंसिस्टेंसी तो बहुत दूर की बात है। स्ट्रेटेजी से मतलब है वो सभी चीजें जो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम्हें अफेक्ट करती हैं। अब तेज भागने के लिए क्या चाहिए होगा? एक अच्छा और बैलेंस बॉडी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्ट्रिक्ट और हेल्दी डाइट फॉलो करनी होगी, ऑयली और मक्खन वाली चीजों से परहेज करना होगा और आराम से दूर रहना होगा। इसके अलावा हमारे शेड्यूल को भी ठीक करना होगा। ठीक ऐसा ही अगर तुम अपने करियर के किसी गोल को जल्दी हासिल करना चाहते हो और अगर उसके खातिर स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, तो सबसे पहले तुम्हें एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी जिसके अकॉर्डिंग तुम सबसे पहले तो अनवांटेड डिस्ट्रैक्शंस जैसे फालतू सोशल मीडिया ऐप्स और टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल से खुद को दूर करोगे। इसके अलावा तुम्हें कब क्या और कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, किस तरह करना है, ये सब तुम अपने आप को बताओगे और कुछ पहले उस फील्ड में सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी से कई चीजों को ऐड करके एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाओगे और ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। रूल नंबर 3, गलतियों को स्किप करो। एक बहुत मस्त चीज बताने वाला हूँ, शायद तुमने खुद भी कभी इसके बारे में सोचा होगा, मगर बॉस दिक्कत ये है ना कि कभी तुम इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक रास्ते पर सफर तय कर रहे हो जिसकी मंजिल कहीं जाकर मिलती है, तुमने आज तक अपने मंजिल को हासिल नहीं किया, तुम सिर्फ उस राह के मुसाफिर हो। ऐसे में कब किस जगह गड्ढे मिलेंगे तुम्हें, कहाँ कांटे होंगे और कहाँ तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी, कहाँ पत्थर होगा, कहाँ रास्ता बंद होगा और कैसे रास्तों में सफर करना है। अगर ये सभी तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा तो सोचो मंजिल तक पहुंचना कितना आसान हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे अगर एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर अगर हाथ में हो तो टॉप करना और 3 घंटे के एग्जाम को 1.5 घंटे में भी लिख देना कितना आसान हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल और छोटी सी चीज करनी है। देखो जाहिर सी बात है, तुमने उस मंजिल को चुना है तो पहले भी कई मुसाफिर होंगे जो उस मंजिल तक पहुंच गए होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो सफर में ही कहीं खो गए होंगे। तो जो उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक नहीं पहुंच पाए वो आखिर क्यों असफल रहे? कुछ तो गलतियां की होंगी उन्होंने, कुछ तो लापरवाही बरती होगी। बस इसी को अंडरलाइन करके दिमाग में बिठाना है और याद रखना, उन गलतियों को करके सीखने से बेहतर है उन गलतियों को किए बगैर आगे बढ़ जाना। एक ही मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, तो अगर आप उन मुसाफिरों को ज्यादा जानोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या तरीका या कैसा रास्ता आपको आपके लक्ष्य तक जल्दी पहुंचाएगा। बस उसे जानो और आगे बढ़ो। रूल नंबर 4, किलिंग एटीट्यूड कैन मेक इट इजी। एक दमदार एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। पता है इसकी खास बात क्या है? ये एटीट्यूड आपको आराम करने की, आलसी होने की, खाना खाने की और खाली बैठने की इजाजत नहीं देता। अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो जब तक ना मिले एक सेकंड भी फालतू आराम नहीं लेना है। किलिंग एटीट्यूड को जब आप खुद के अंदर जन्म दोगे उस वक्त आपके दिमाग पर भूत सवार होगा कि जो काम करने का फैसला लिया था अब चाहे जो हो जाए, भूख लगे या बारिश आए, तूफान या सुनामी ही क्यों ना आ जाए, जब तक वो काम पूरा नहीं होगा, वो लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तब तक आराम और आलसपन के बारे में सोचना भी पाप है। जो एटीट्यूड तुम रास्ते पर चलते वक्त बिना मतलब के दूसरों को दिखाते हो ना उनके सामने साइनिंग मार के, यही एटीट्यूड तुम्हें अब खुद को दिखाना है। एटीट्यूड जब होगा ना तब तुम हर काम में आगे रहना चाहोगे। 100 मार्क्स के एग्जाम में अगर तुम्हारा 95% भी आएगा तो तुम उस 95% के लिए जश्न नहीं मनाओगे, बल्कि उस छूटे हुए 5% के लिए अफसोस करोगे और वो 5% कहाँ रह गई ये ढूंढकर अगली बार और बेहतर परफॉर्म करोगे। और इसी को द किलिंग एटीट्यूड या किंग माइंडसेट के रूप में जानते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ टॉप पर, पहले नंबर पर ही रहना पसंद है। अगर सालों के गोल को अगले कुछ महीनों में पाने का ख्वाब है तो अगले कुछ महीनों तक ऐसे एटीट्यूड के मालिक बन जाओ। रूल नंबर 5, 6 months equals to 180 possibilities। देखो अगर 6 महीने को 6 महीने समझोगे तो तुम्हारा माइंड इसे 6 मौकों के रूप में देखेगा जो कि कम है, लेकिन अगर यही तुम इसे 180 दिन के रूप में देखोगे तो तुम्हारा माइंड हर दिन को एक मौके के रूप में देखना शुरू करेगा, जो तुम्हारे लिए कमाल की बात साबित होगी। एक दिन बुरा जाए लेकिन अगर अगला एक हफ्ता बढ़िया जाए तो इससे अच्छी और क्या ही बात होगी। इसलिए हर दिन तुम्हारे लिए मौका है, एक संभावना है तुम्हारे कामयाबी की। 6 महीने 180 मौकों के बराबर है और इसके साथ 10 अच्छे मौके भी तुम्हें एक अच्छे खासे लेवल पर ले जा सकते हैं, तुम्हें बहुत कामयाब कर सकते हैं। इन 180 मौकों का पूरा फायदा उठाना बस तुम्हें आना चाहिए। हर दिन तुम्हारे लिए एक बेहतर अवसर के रूप में आएगा, बस ऊपर जो 4 पॉइंट्स बताएं उन्हें लगा देना, फिर कोई मौका हाथ से खाली नहीं जाएगा। दोस्तों कोई भी सपना देखना इतना मुश्किल नहीं होता और पाना तो बिल्कुल नहीं होता, लोगों की अपनी मानसिकता है। जैसे बारिश शुरू होते ही दूसरे पंछी छुपने के लिए जगह खोजते हैं, वहीं एक बाज आसमान चीरकर ऊपर निकल जाता है। बस करने की चाह होनी चाहिए और सपनों को जल्दी हासिल करना आना चाहिए, बाकी वक्त कितना लगेगा ये सिर्फ आप पर और आप पर ही डिपेंड करता है। इसलिए मैंने ऊपर आपको कुछ मंत्र बताए हैं, कुछ नियम बताए हैं जिनसे आप अपने लक्ष्य को 6 महीने या 1 साल में पूरा कर सकते हैं। अच्छा एक और हेल्प है जो इन सब के साथ मैं आपकी करना चाहता हूँ, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था। हमारे चैनल पर बहुत जल्द हर महीने किसी पर्टिकुलर तारीख को एक कॉन्टेस्ट होगा, जिसमें हमारे चैनल पर ढलने वाले दूसरे वीडियो में क्या बताया गया है, आपको कैसे लाइफ चेंजिंग आइडियाज दिए गए हैं, इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे और जो हमारे लॉयल व्यूअर होंगे
उन्हें तो इसका जवाब 100% पता ही होगा। और ये मैं आप सभी को अभी बता दे रहा हूँ ताकि आप इस मौके को मिस ना करो। और अब से जो भी वीडियो आए उसे पूरा देखो और गौर से देखो ताकि कॉन्टेस्ट में आप ही जीतो। और जीतने के बाद जो कुछ हमारे लॉयल व्यूअर्स शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर 1 महीने और 3 महीने का इंटरनेट रिचार्ज मिलेगा जो हमारी तरफ से होगा। अगर आप सभी में हमें ज्यादा हौसला दिखता है तो आगे इस रिवॉर्ड को और इंक्रीज करेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें आप सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। बाकी मिलते हैं ऐसी एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये हमारा मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पर एक प्यार सा कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं न्यू मोटिवेशन के साथ।